वाट प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर द ट्राइबल इंसरक्शन इन इंडिया इन द नाइनटीन सेंचुरी द कम्प्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड अग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ वॉट प्रोवाइडेड अ कॉमन फैक्टर फॉर द ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द नाइनटीन सेंचुरी तो देखो नाइनटीन सेंचुरी में ट्राइबल इंसरक्शन हुआ था उसका कॉमन फैक्टर क्या था कॉमन फैक्टर ये था कि जो ओल्ड एग्रेरियन ऑर्डर था ना ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए उसी का कंप्लीट डिस््रप्शन हो गया सो द कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ द ओल्ड अग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ वॉट विच फंडस कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस होम चार्जेस में कौन कौन सा फ़ंड्स आता था पहला फंड्स यूज टू सपोर्ट द इंडिया ऑफिस इन लंडन जो फंडस था वो क्या करता था इंडिया ऑफिस लंडन में इंडिया ऑफिस था उसका सपोर्ट करने के लिए फंड था दूसरा फंड्स यूज टू पे सैलरीज एंड पेंशनस ऑफ ब्रिटिश पर्सनल इंगेज इन इंडिया जो भी ब्रिटिश पर्सनल इंगेज हैं इंडिया में वो उन सब का सैलरीज पे करने के लिए था सो वॉट फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस होम चार्जेस में कौन कौन से फ़ंड्स थे एक फंड तो था कि जो इंडिया का ऑफिस है ब्रिटेन में उसका मेंटेनेंस या उसके सपोर्ट के लिए और दूसरा जो फंड दूसरा जो था वो सेक्शन था कि जो ब्रिटिश पर्सनल इंडिया में काम कर रहे हैं उनके सैलरीज और पेंशंस के लिए What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? To agitate the Indian political reforms in the House of Commons. To agitate the Indian political reforms in the House of Commons. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee? तो देखो सर विलियम वेडरबर्न और डब्ल्यू एस केन ने क्या किया था एक इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी 1893 नाइनटी थ्री में सेटअप किया था किस चीज़ के लिए सेटअप किया था टू एजिटेट द इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को एजिटेट करने के लिए ये सेटअप किया गया था व्हाट वाज द पर्पस विद विच सर विलियम वेडरबर्न एंड डब्ल्यू एस केन हैड सेटअप द इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी इन एटीन टू एजिटेट द फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स इन रेटवारी सेटलमेंट द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पेजेंट्स टू द गवर्नमेंट क्या बात सही है हाँ रियोटवारी सेटलमेंट में जो रेंट था वो पेजेंट्स डायरेक्टली पे कर पाते थे गवर्नमेंट को दूसरा द गवर्नमेंट गिव टू द रिर्ड्स द गवर्नमेंट क्या करते थे गवर्नमेंट रियॉर्ड्स को पट्टास देते थे और द लैंड वेयर सर्वेड एंड असिस्ड बिफोर बींग टैक्सड तो टैक्स करने से पहले लैंड को क्या करते थे सर्वे करते थे और असेस करते थे बिफोर बिंग टैक्सड तो रियोटवारी सेटलमेंट में क्या हुआ जो रेंट था ना सो द रेंट वॉज पेड डायरेक्टली बाय द पेजेंट्स टू द गवर्नमेंट दूसरी बात द गवर्नमेंट पे टू द रियॉर्ट्स और तीसरी बात द लैंड वेयर सर्वेड एंड असिस्ट बिफोर बींग टैक्सड लैंडस वेयर सर्वेड एंड असिस्ट बिफोर बींग टैक्सड ब्रह्मो समाज अपोज आइडोलेटरी क्या बात सही है हाँ ब्रह्मो समाज ने आइडोलेटरी को अपोज किया था आइडोलेटरी का मतलब मूर्ति पूजा तो ब्रह्मो समाज जो है ना वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध था सो so, ब्रह्मो समाज ऑपोज आइडोलेटरी क्या बात सही है यस yes. ब्रह्मो समाज डिनाइड द नीड फॉर प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स तो जो ब्रह्मो समाज था उसने डिनाई कर दिया था कि ये बामन का जरूरत नहीं होगा प्रीस्टली क्लास के लिए जो पंडित होते हैं उनका जरूरत नहीं होगा रिलीजियस टेक्स्ट को आ, मतलब इंटरप्रेट करने के लिए डिड ब्रह्मो समाज पॉपुलराइज द डॉक्टर इन दैट वेदास आर इन्फॉलेबल क्या ब्रह्मो समाज ने पॉपुलराइज किया था ये डॉक्ट्रिन इनकी वेदास जो है ये इनफॉलिबल है इसको कोई गलती नहीं है कुछ मिस्टेक नहीं है एकदम ब्रह्म वाक्य है नहीं तो वो उसके अगेंस्ट में थे रे, क्या करते हैं व्हाट प्रोवाइडेड ए कॉमन फैक्टर फॉर द ट्राइबल इंसरेक्शन इन इंडिया इन द नाइनटीन सेंचुरी द कम्प्लीट डिस्ट्रप्शन ऑफ द ओल्ड अग्रेरियन ऑर्डर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़ विच फंड्स कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस फंड्स यूज टू सपोर्ट इंडिया House of uh, support the India of office in London, and secondly, funds used to pay salaries and pensions of the British personnel engaged in India. What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W. S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893 to agitate for Indian political reforms in the House of Commons? In Ryotwari settlement, the rent was paid directly by the peasants to the government. The government gave pattas to the ryots. And the lands were surveyed and assessed before being taxed. Brahmo Samaj opposed idolatry. Is sahi hai Yes. Brahmo Samaj denied the need for priestly class for interpreting the religious texts. True. Did Brahmo Samaj popularize the doctrine that Vedas are infallible? No. See you in the next video. Till then, bye.